हम लोग शिमला से निकल गए हैं कसोल के लिए। अब मॉर्निंग 7 बजे हैं। हाँ, 7:26 हुए हैं। सुबह हमको और जल्दी निकलना था 6 बजे के समथिंग, पर बच्चे साथ थे तो इसलिए निकलना हो ही नहीं पाया। अब 7:30 बज गए हैं, हम निकल गए हैं। यहाँ ठंड ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा फॉग जमा हुआ था अभी सुबह 6 बजे, तो हमारा निकलना वैसे भी नहीं हो पाया। और बस अब हम कसोल के लिए निकले हैं। यहाँ से 6-7 घंटे लगेंगे हमको पहुँचने में। हम कसोल थोड़ी देर रुकेंगे और फिर वहीं मणिकरण घूमेंगे। गाइज, हम लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। सभी की तबीयत थोड़ी डाउन हो गई है, मैडम की स्पेशली, वोमिटिंग हो रही है। 4-5 बार उनकी कर चुकी हैं ये। और अभी यहाँ से सूप वगैरह जो नेचुरल चीज़ होती है, इलायची और क्या लिया आपने, काली मिर्च और जीरा, काली मिर्च और जीरा, जिससे वोमिटिंग ना हो। और बच्चे ठीक है। हिल स्टेशन पे हम लोगों की जो प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है कान बंद, जो नेचुरल है, सभी के साथ में होता है, थोड़ी देर बाद सही हो जाएगा। लेकिन मेरे कान में, एक कान में कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ये ठीक हो जाएगा। कहना है आपको तबीयत ना बोलते, ये जब बोलती हैं तो आप लोगों को अच्छे से पता है कैसे बोलती हैं। रोने लगे, रात में रो रही है, मम्मी की याद आ रही है, मम्मी की सास की याद आ रही है, सास की है ना। गाइस, हमारा चाय नाश्ता कंप्लीट हो चुका है। हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और सभी थोड़ी सी तबीयत सभी की अब रिलैक्स लग रहे हैं। जब यहाँ बैठे थे तो ऐसे मायूस से हो गए थे कि तबीयत ख़राब, आप देख सकते हैं। अब ठीक है, परफेक्ट है। हेलो, भैया का नेचर अच्छा लगा हमें। हेलो, हाय, युवान थोर से मिलना है, चलो से हेलो। Hello. Look, I was in Mustache, in Jaipur. Mustache? Jaipur. Ah, कोई होटल होगा? होगा, so hostel. So you know our story? You heard about our story? Yes, yes, yes. How did you hear? Sorry? How did you hear our story? No, actually. क्या कह रहे हो? बाहर चढ़ के देखूं? बाहर चढ़ के नहीं, पहाड़ों की मैगी चाहिए इसको। पहाड़ों की मैगी खाए। ये हाथ पहचान रहा है, इसके पापा ने इसको चूटी भरी और ये हाथ पहचान रहा है कि किसके हाथ से मुझे चूटी लगी। ये देखो, ये हाथ देखकर क्या नजारा है, बहुत अच्छा नजारा है। गाइस, हम लोग 2 मिनट यहाँ रुके हैं, यहाँ पे अच्छा व्यू दिखा, आप देख सकते हैं क्या शानदार व्यू है। अरे, ओ चली जाएगी नीचे, आपका पिंड टूट जाएगा।
अरे पिंड का माँ पीछे आ जा, ओ पीछे आ जा, मजाक ना करे, आ जा अरे। देखिए क्या मस्त व्यू है यहाँ का, छोटी छोटी पगडंडियाँ बनी हुई है बीच में। कहाँ पे अच्छा करता नहीं हूँ मैं, मैंने 300 बोला, मैंने कोई गलत नहीं बोला। गाइस फाइनली हम लोग स्टे किया नहीं है, डिस्कशन चल रहा है, रात को कैंपिंग में रुकने का विचार है। हाँ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। हमारा काफ़ी टाइम से चल रहा था कि हम कैंपिंग में रुकें, लेकिन उम्मीद है कि आज फाइनली हम लोग कैंपिंग में रुकेंगे। डिस्कशन चल रहा है, आप देख सकते हैं। आप क्या क्या दे रहे हैं? प्राइस का कोई इश्यू नहीं है, आप आपके दो टेंट, ओके, आपका वन फाइव, ओके, म्यूजिक हो गया सर, ठीक है चलेगा, आप मिलते हैं, ओके सर। फाइनली हमारा बुक हो चुका है, आज यहाँ पे स्टे करेंगे, ज़्यादा कैंपिंग नहीं है, लिमिटेड है। तो अब हमारी बुकिंग होने के बाद में हम थोड़ा सा कहीं घूम के आएंगे, समथिंग खाना जो भी नाश्ता वगैरह जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। आप कभी भी आओ कभी भी जाओ, बुकिंग कंफर्म हो चुकी है गाइस। आप लोग जब भी आएँ प्लीज़ कैंपिंग में रुके और देखते हैं नाइट का कैसा स्टे रहता है हमारा, और आप लोग के साथ में शेयर ज़रूर करेंगे कि नाइट स्टे कैसा रहा हमारा। प्लीज़ हमारे साथ में बने रहिएगा। आप लोग मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, जिससे जिससे आपको ये सब पता लगेगा कि कहाँ कौन सा जगह जाना है, कौन से स्टे करना है, उसके साथ साथ एक एक आइडिया वो लग जाएगा कि हाँ हमें वहाँ रुकना है। प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है यहाँ पे, हम लोगों ने चेंज करके हमें कहीं निकलना है, मतलब मार्केट में। और आज हमारे साले साहब का बच्चे का बर्थडे है, तो केक काटेंगे,
और उसके बाद में मार्केट जाएंगे और वहाँ पे एंजॉय करेंगे, देन उसके बाद में यहाँ पहुँचेंगे। देखते हैं मैगी, ठंडा पानी और बच्चे रेडी हो रहे हैं। ये दो कैंपिंग हमने बुक किया है, गजब का है यार मौसम, ठंडा। अब हम पनीर टिक्का सब कुछ यही रोस्टेड करेंगे। वाह 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 बेटे, मौज करती वाह। और हमने वो भी यहाँ सेलिब्रेट किया है, केक कट किया है, लेकिन ये पागल यूवी ने इसकी हेड चुरा ली, हेड चुरा ली है। ये रहा देखो गाइस, हम लोग यहाँ से फ्री हो चुके हैं, कैंपिंग खाली कर दी हमने। हाँ, यहाँ से निकल के मणिकरण जाएंगे, रास्ते में स्टॉपेज किया था, मणिकरण पास ही है, आधे घंटे का रास्ता है। और हमने यहाँ पे खूब रात को मस्ती की। और युवान से हेलो। अब हम निकलते हैं, देख सकते हैं व्यू कैसा है यहाँ का, से हेलो गाइस। हम लोग मणिकरण पहुँच चुके हैं, गाड़ी पार्क कर दी, और हमें यहाँ पे होटल वगैरह नहीं चाहिए क्योंकि हम थोड़ी देर ही रुकने हैं, तो हमने गाड़ी से सामान निकाल के, आप देख लीजिए, मतलब वही हर जगह जहाँ जगह मिली हम हमारा सामान सर्च करना चालू कर दिया। यहाँ से जो जो कपड़े पहनेंगे निकाल रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं जी, कितना शानदार गुरुद्वारा का सामने। हाँ, पूरा गुरुद्वारा, यहाँ की तीन फेमस जगह हैं, गुरुद्वारा, एक मंदिर और एक दो मंदिर है, एक माता का मंदिर और एक शिव जी का या कौन सा मंदिर है, तीन फेमस राम मंदिर, तीनों फेमस जगह है। यहाँ से इनको फ्री होने के बाद में हम निकलेंगे मनाली के लिए, और आप देख सकते हैं यहाँ का क्या गजब का व्यू है। यहाँ की पार्किंग बहुत बड़ी है, ये पार्किंग स्पेस अच्छा लगा, इसीलिए हमने हमारा जो घर यहीं बना लिया। ये देखें, यहाँ से वापस लगेज गाड़ी में रखेंगे और गुरुद्वारे के लिए निकलेंगे। हाँ, कैसा लग रहा है रास्ते पे सामान निकालते हुए? घर से बाहर हो गए, हम रोड पे आ गए गाइस, हम रोड पे आ गए गाइस, हम रोड पे आ गए। घर वालों ने हमें एक धक्के मार के बाहर निकाला है, जाओ रोड पे। घर वाले साथ ही है वैसे तो, वो भी निकले हुए हैं। ये लोग ये भी निकल सकते, निकलो। हाँ निकलो, हम रोड पे आ गए। बच्चों ने खूब मजे किए हैं भाई, आप देख सकते हो गाइज। हम लोगों ने हमारा घर समेट लिया, दिगी में शिफ्ट कर दिया है, और अब हम निकल रहे हैं, नहाएंगे धोएंगे, सारे नहाने धोने के कपड़े हमने सेट कर लिए, गुरुद्वारे में नहाएंगे और आप लोगों को गुरुद्वारे के दर्शन भी कराएंगे, मंदिर के भी और माता के भी। आप देख सकते हैं यहाँ का क्या गजब का व्यू है। अगला ट्रिप देखते हैं कब जल्दी बनाएंगे, यहाँ का व्यू अच्छा है तो उम्मीद है यहीं आने का, अब देखते हैं कब। और देखते हैं
गाइस इनको मणिकरण में भी सलून जाने का लगा है। अब ये मौका देख के सलून में भी पहुंच गए बियर्ड सेट कराने के लिए। क्या कराना है आप लोगों को? वाओ, आशीर्वाद, वेरी गुड। गाइस हम पहुंच चुके हैं राम मंदिर, यहाँ का मणिकरण का सबसे फेमस मंदिर है और यहाँ पे धर्मशाला भी है। अभी वापस आके हम इसके अंदर जाएंगे। पहले धर्मशाला, हम सुबह से नहाए नहीं है तो पहले नहाने धोने का काम करेंगे, उसके बाद में यहाँ आएंगे। जो मैंने बताया था आपको माता का मंदिर, इसकी जो बनावट है इसकी आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है और देखने लायक है। इसके भी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हम नहाएंगे, नहाने के बाद में हम दर्शन करेंगे और फिर यहाँ से हम निकलेंगे। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ ये सब नेचुरल है, नेचुरल है। इधर लो, ये नेचुरल है, ये नेचुरल वाटर है, उबलता हुआ नेचुरल। गाइस यहाँ की सबसे खासियत चीज़ है कि इतने ठंड के अंदर भी गर्म पानी पाइप जो अपने सरकारी पाइप होते हैं उसके अंदर से गर्म पानी आ रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ के आसपास में कौन सी नदी आ रही है? ये तो है नदी, जितना भी पानी मंदिर के आसपास आता है ना वो गर्म हो जाता है, उबलता हुआ। अच्छा अच्छा, जो भी मंदिर के पास में पानी आएगा वो गर्म ऑटोमेटिक गर्म होगा, ऑटोमेटिक फुल गर्म हो जाएगा, क्या की ये खासियत है। गाइस यहाँ का ये मार्केट, सभी यहाँ पे सभी जो जरूरत चीज़ें हैं, चाहे वो फैंसी हो चाहे वो परचूनियो, टोटल सामान अवेलेबल है और एक से बढ़कर एक आप देख सकते हैं मार्केट। ये पानी कम से कम उसका टेम्परेचर 50 से 55 होगा। यहाँ पे हम नहाए हैं और आधा गर्म और आधा ठंडा यहाँ पे आ रहा है, नेचुरल पानी है, आप देख सकते हैं लोग कैसे नहा रहे हैं। इसमें पहले गर्म पानी, पहले ठंडा पानी ले रहे हैं एक नल में से और फिर नीचे से पानी गर्म भरा जाता है, उसके बाद में नहाना। हाँ लोग भाई, ये है मणिकरण शिव मंदिर, आप देख सकते हैं इसका एंट्रेंस यहाँ से है और ये मंदिर अंदर। मम्मा इधर आओ, वही जिनका वही नेचुरल पानी। यहाँ पे खासियत यही है सबसे बड़ी कि मंदिर के पास पास की जितना भी पानी है वो गर्म है और बाकी सारा चिल्ड है, नेचुरल पानी देखिए निकलता है। ये यहाँ की खासियत है सबसे बड़ी, ये शिव मंदिर। शिव मंदिर यहाँ का फेमस मंदिर, ये नंदी जी शिव जी की सवारी। हम गुरुद्वारा अंदर आ चुके हैं, गुरुद्वारा दर्शन कर लिए हमने, दर्शन करने के बाद में गाइस हम लंगर में बैठेंगे यहाँ से, लंगर के बाद में हम निकलेंगे, बहुत लेट हो चुके हैं काफ़ी। गाइस हम लोग मणिकरण से फ्री हो चुके हैं, यहाँ से निकल रहे हैं मनाली के लिए और तेज़ बारिश आ गई, हम लोग गीले हो गए हैं सारे कपड़े, देख सकते हैं पूरे गीले हैं सभी के और सबसे ज़्यादा बच्चों के, डर है बच्चे बीमार ना हो जाए। आप देख सकते हैं यूवी बेटा आप गीले हो गए, पूरे गीले हो गए, देखिए कितने गीले हो गए बताओ, बहुत सारे गीले हो गए, बारिश आ चुकी है और यहाँ के बारिश का भरोसा नहीं है कि कब बारिश चालू हो जाए। अभी थोड़ी हल्की हो गई है, अभी थोड़ी देर पहले मोटी थी जिसकी वजह से हम लोग यहाँ गीले हुए हैं। अब मणिकरण से जस्ट हम लोग निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं मौसम कैसा है यहाँ का, कंटिन्यू बारिश हो रही है, लोग अच्छे हो गए। हम मनाली हाईवे पर चल रहे हैं, एक घंटे का रास्ता है, अगर जाम नहीं मिला तो हम पहुंच जाएंगे टाइमली और अगर जाम मिलता है तो आप ये मान के चले कि काफ़ी टाइम लग जाएगा,
आप देख सकते हैं मनाली जो कि एक और कुल्लू घाट जाम के ऊपर डिपेंड करता है कि जाम कितना है। एक होटल बुक किया है और अब हमारा सामान रख के अब थोड़ा सा निकल रहे हैं घूमने के लिए। सब थके देख सकते हो आप, सामने बर्फ है, घुमाना एक बार कैमरा आप देखिए ऊपर, देखिए बर्फ है, टॉप पे यही मिलेंगे। सब थक चुके हैं तो हम थोड़ा सा कहीं घूम के आ रहे हैं, कुछ खा के आएंगे और वापस रिटर्न होटल में और सुबह सब मज़े करेंगे। अभी भयंकर थकान सफ़र की जो हो रही है, हम 4 घंटे सफ़र करके बच्चे नहीं ये नहीं थक रहे हैं, मैं तो थक रहा हूँ भयंकर वाला। गाड़ी मैंने ही चलाई नहीं है तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा और कंडीशन पे हम लोग बाहर जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वापस आ जाएंगे और आप लोग हमारे साथ में बने रहिएगा प्लीज़। गाइस हम मनाली माल रोड पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं यहाँ का क्या चल रहा है। हम लोगों ने अभी नाश्ता किया है यहाँ पे, पिज़्ज़ा और पाव भाजी का। बच्चों ने खूब एंजॉय किया खाते समय। क्या युवान टेस्ट कैसा लगा पाव भाजी का और पिज़्ज़ा का? गुड़िया आपको पाव कैसे लगा आपको, कैसे लगा? और पिज़्ज़ा अच्छा, पिज़्ज़ा खा रही पाव कैसे लगा? पाव कैसा था? अच्छा था। पिज़्ज़ा कैसा था? अच्छा था, मोज़रेला चीज़ पिघली नहीं थी, बाकी सब अच्छा था। देखिए धुआं, यहाँ का टेम्परेचर 8 का है। मनाली का माल रोड देखने लायक है, आप देख सकते हैं यहाँ का रस कितना भयंकर है। 99% बाहर के टूरिस्ट हैं, यहाँ नहीं घूमा तो कहीं नहीं घूमा आपने।